आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉम्स आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस किस तरीके से आप जो है वो चेक कर सकते हो। डॉम्स आईपीओ जो है वो बाजार में काफ़ी अच्छा तहलका मचा रहा है क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार बड़ी तेज़ी यहां पर देखने को मिली है। ऐसे में अगर आपने भी डॉम्स आईपीओ में निवेश किया है, अगर आपने भी डॉम्स आईपीओ में पैसा लगाया है तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जानेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पर पहुँच चुका है और इसमें आपको कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम डॉम्स आईपीओ की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में डॉम्स आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी जान ली थी। वहीं अगर फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल भी यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दिए थे और हमने कहा था कि डॉम्स आईपीओ में काफ़ी अच्छी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में जान लेते हैं कि डॉम्स आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ पर लाइव अपडेट है डॉम्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो यहाँ पर डॉम्स आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 530 रुपये तक पहुँच चुका है, यानी कि 790 रुपये तक का भाव है, यानी कि 60 से 70% तक का यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगर बाजार के जानकारों की माने और खबरों की माने तो लगभग 70 से 80% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। भले ये 67% है लेकिन यहाँ पर 80% से ज़्यादा तक का यहाँ पर डॉम्स आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आप डॉम्स आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले तो आपको डॉम्स आईपीओ के रजिस्ट्रार को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार की जानकारी दी गई है जिसमें लिंक इन टाइम जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाना है, यानी कि इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि डॉम्स आईपीओ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद पैन कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर आपको डालने रहेंगे। पैन कार्ड नंबर सिलेक्ट करके और आपको आपके जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको डालने रहेंगे। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर कंपनी जो है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से, मतलब एक साथ कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर आकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करते हैं, तो कई बार जो है वो साइट जो है लोड होने में बहुत टाइम लगा देती है। तो ऐसे समय में आपको थोड़ा बहुत इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि सर्वर में ज़्यादा लोड हो जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डॉम्स आईपीओ जो है वो यहाँ पर जो है वो लिस्ट आ जाएगी। अभी अलॉटमेंट आया नहीं है तो जब भी यहाँ पर आएगा तो एक लिस्ट आ जाएगी डॉम्स आईपीओ की, तो उसे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर करने और सर्च करना है। तुरंत आपका यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको अलॉट हुए होगे तो कितने शेयर अलॉट हुए होगे वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर नॉट अलॉटेड जैसा साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो डॉम्स आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।